मोदी के खिलाफ ओबामा को लिखी चिट्ठी को लेकर सियासी बवाल मच गया है। पहली बार सांसदों की चिट्ठी सामने आई है, लेकिन चिट्ठी की सच्चाई पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर सांसदों की चिट्ठी है, जिसमें साफ साफ सांसदों के दस्तखत हैं। इसमें एक दस्तखत सीताराम येचुरी का भी है, लेकिन सीताराम येचुरी ने साफ साफ कह दिया है कि चिट्ठी पर दस्तखत उनके नहीं है, बल्कि उनका कहना है ये कट एंड पेस्ट जॉब है। अब मोदी के वीजा संबंधित चिट्ठी पर फर्जी दस्तखत के आरोपों को राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच हो जाए तो सच सामने आ जाएगा। कि जो लोग डिनाई कर रहे हैं उनको ये चाहिए कि वो इंक्वायरी की मांग कर ले। मैं अपने स्टैंड पर क्लियर हूं कि ये साइन उन्हीं लोगों की है और इसी लेटर की है और इसी मौजू पे है। अगर वो इंक्वायरी करा ले तो ये बात सामने आ जाएगी। उधर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मांग की है कि मोदी के खिलाफ लिखी गई चिट्ठी में फर्जी दस्तखत की जांच होनी चाहिए, और ये भी पता लगा है कि उसमें कुछ फर्जी साइन भी है। सीताराम येचुरी जी ने कहा कि उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया और कई सांसदों ने कहा, तो क्या कोई जो फर्जी साइन हुआ है उसकी जांच करानी चाहिए, और जो लोग जिन लोगों ने कराया उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए।